हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है रवि। डिज़ायर अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमने अब तक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, उसके क्या एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, जो बेसिक एग्जाम्पल होते हैं वो, साथ साथ हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है या फिर एस थ्योरम क्या है उसको भी कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने देखा था। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से आप बहुत सारे एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसको समझना है कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना है ताकि सब कुछ आपके समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें है डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। देखिए, ये है जो एज ए थ्योरम भी पूछा जाता है, आप उसको ऐसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर ऐसे माना जाए तो ये एक सिंपल फार्मूला है किस स्पेशल टाइप को एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये कोई थ्योरम आपको हैवीली समझना नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल देखते हैं इस टाइप से तो आप ये अप्लाई कीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, यानी कि अगर ये है आपके पास, अगर आपके पास ये है और देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर एन इंटू एफ टी, यहाँ पे क्या है टी पावर एन है, टी पावर एन इंटू एफ टी इज माइनस वन टू द पावर एन, माइनस वन टू द पावर एन इंटू डी एन बाई डी एस एन ऑफ एफ एस। ये देखिए हमारे पास क्या है, डेरीवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, कितना एन डेरीवेटिव, वो किस पर डिपेंड करता है, एन पे। मान लीजिए कि अगर आपके पास n 2 है तो आपके पास आएगा माइनस वन स्क्वायर डी टू अपॉन डी स्क्वायर एफ ऑफ एस। अगर n आपके पास 1 है तो आपके पास आएगा माइनस वन टू दी पावर 1 डी बाय डी एस ऑफ एफ एस। अब आप पूछो कि भाई एफ एस कहाँ से लाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें एफ टी जो है हमें पता होना चाहिए कि एफ टी हम क्या लेंगे, ताकि हम क्या फाइंड कर पाए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी फाइंड कर पाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई आपको एक एग्जांपल दिया है टू समथिंग टी क्यूब इंटू ई पावर थ्री टी। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल है, तो अब हम क्या करेंगे, ये टी क्यूब है, इस प्रकार के एग्जांपल जिसमें टी पावर एन से मल्टीप्लाई किया जाता है किसी फंक्शंस को, तो वहाँ पे हम इस प्रकार के ये जो थियरम है टर्म या फिर ये जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उसका यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टी क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा माइनस वन टू दी पावर थ्री करूँगा। ठीक है, और क्या आएगा डी थ्री बाय डी एस थ्री। अब क्या है, अगर मैं इसको एफ टी मान लेता हूँ, ये जो है इसको एफ टी, तो फिर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर थ्री टी फाइंड कर सकता हूँ, और ई पावर थ्री टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो आएगा वही क्या होता है, हमारा एफ ऑफ एस होता है। ठीक है, तो यानी कि यही है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ये फाइंड करना पड़ेगा और एग्जाम्पल सॉल्व। बाकी अब ये एग्जाम्पल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं ये एग्जाम्पल्स को, कब आपको अप्लाई करना है फिर से समझ लीजिए। आपको पता हो कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या है, एफ एस है, साथ साथ क्या है, तब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर एन इंटू एफ टी इज माइनस वन टू दी पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस। ठीक है, ये आपको तब अप्लाई करना है। तो चलिए इसकी प्रूफ नहीं हम देखते हैं, क्यों प्रूफ इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, हमें सिर्फ डायरेक्टली एग्जाम्पल पर अप्लाई करना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। चलिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। से फाइंड लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन ए टी दैट इक्वल टू वॉट। ठीक है, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है किसका, टी इंटू साइन ए टी का। अब कैसे फाइंड करेंगे ये को, देखिए हम ई पावर ए टी था तब कैसे फाइंड करते थे, वो हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में पढ़ा था। इसका फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये फाइंड करें, ये इसका यूज़ करेंगे। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू साइन ए टी, तो ये जो है पहले समझ लेते हैं कि भाई ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एफ एस है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर एन इंटू एफ टी होता है माइनस वन टू दी पावर एन एथ डेरीवेटिव ऑफ एफ एस। हमारे पास यहाँ पे एन जो है वो क्या होता है, इन जनरल कुछ भी होता है, हमारे पास यहाँ पे एन क्या है, वन है, एन हमारे पास वन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे आपको समझिए आप यहाँ पे। सो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अगर टी इंटू साइन ए टी का फाइंड करना है, तो मैं पहले
यहाँ से टी तो रहने दूंगा पर एफ टी जो है साइन ए टी ले लूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर टी इंटू एफ टी देखे तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू साइन ए टी एन कितना है? 1। सो माइनस 1 टू द पावर 1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। एफ एस क्या है आपके पास? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई एफ टी साइन ए टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया, फिर ये फॉर्मूला किया। पर हम क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, इससे एग्जाम्पल भी छोटा हो जाता है, स्टेप भी कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 1, ये हो जाएगा डी बाई डी एस। साइन ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास आएगा माइनस 1, इसका डेरिवेटिव देखेंगे। सो यू अपन वी वाला रूट, सो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरह से इंटू ए का डेरिवेटिव 0 माइनस यहाँ पे ए रखेंगे तो ये आएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आया ये, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया है तो ये तो पूरा 0, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2as अपॉन दिस, और यहाँ पे भी माइनस है तो ये हो जाएगा 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि भाई ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, जब एस स्क्वायर क्या हो जाए, स्क्वायर से बड़ा हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्क्वायर। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू साइन ए टी इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर टी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 स्क्वायर डी टू बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक और दो एग्जाम्पल देखते हैं इसी मेथड से। देखिए फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी मेथड से, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है। इसका यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कभी कभी, स्टूडेंट्स को कभी समझने नहीं आता, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसका यूज़ करने वाले हैं। सो द फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टू टी। अगर कॉस स्क्वायर टू टी होता सिर्फ तो हम उसका फाइंड कर सकते, अगर ई पावर ए टी इंटू कॉस स्क्वायर टू टी होता तो भी हम फाइंड कर सकते। हमारे पास क्या है यहाँ पे, टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टू टी। तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका हम इस मेथड से फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी फंक्शन है उसके पावर टी में समथिंग है, यानी कि टी की पावर समथिंग है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टू टी, ठीक है। टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टू टी, ये जब आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे टी स्क्वायर है उसका तो पता नहीं, पर कॉस स्क्वायर टू टी है उसका तो हम कर सकते हैं। सो कॉस स्क्वायर ऑफ टू टी वो क्या होता है, 1 प्लस कॉस 40 बाई 2, ये होता है। सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 40 बाई 2, ठीक है। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप लाप्लास लेके चलिए, आप सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए फिर बाद में लाप्लास अप्लाई कीजिए, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे साथ में लेके चलते। अब यहाँ पे क्या आएगा, हम इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास 1/2 कॉमन, सो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू कॉस 40, ठीक है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस 40, ठीक है, यह है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर इंटू कॉस 40, इसका फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो चलिए इस जो फॉर्मूला हमने अप्लाइन किया है उसको हम क्या कर दें, एग्जाम इक्वेशन 1 कर सकते। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2t इज दिस, और ये हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसका फाइंड कर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, वो हमें पता है डायरेक्टली कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर एन का होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। अगर एन क्या हो जाए, इंटीजर पॉजिटिव, तो हमारे पास तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ही है 2, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रख सकते हैं 2 अपॉन एस टू द पावर 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन एस क्यूब। चलिए ये हो गया सिंपली। अब हम सेकंड फाइंड करते हैं, क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टी स्क्वायर इंटू कॉस 40, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है फाइंड करने में, पर हम यहाँ पे आसानी से करेंगे। यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है, आपको ये फाइंड हो, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नहीं पता है, ये पता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी पावर एन एफ टी क्या होता है, टी पावर एन दिखा, चलो दिखा यहाँ पे, तो भाई टी स्क्वायर है, तो हम माइनस 1 टू द पावर एन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 1 टू द पावर स्क्वायर,
डी एंथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एस या फिर एंथ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे एफ टी क्या है, कॉस 40, सो दिस इज माइनस वन स्क्वेयर एंथ डेरिवेटिव। एंथ यहाँ पे क्या है एस, एन क्या है टू है, सो डी डी टू बाई डी ए स्क्वेयर ऑफ एफ एस, एफ एस हम क्या करेंगे लाप्लास ऑफ कॉस 40, सो दिस इज अवर इक्वेशन फाइनली। सो माइनस वन स्क्वायर इज वन, डी टू बाई डी ए स्क्वेयर ये हमें फाइंड करना है। लाप्लास ऑफ कॉस 40 क्या होता है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यानी कि 60। तो चलिए ये हो गया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देंगे, यानी कि हमें इसका जो है दो बार क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं हम यहाँ पे उसका डेरिवेटिव। सो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ऑप्टेन करते हैं, फिर बाद में सेकंड डेरिवेटिव। सो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आएगा, इसका मतलब हम यहाँ पे लिखे, सो डी बाई डी एस ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। ये तो फर्स्ट यहाँ पे होगा डी बाय डी एस ऑफ, ये देखिए ये जो है डिनोमिनेटर वो रखेंगे एस स्क्वायर प्लस 16, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एस ऐसे, और यहाँ पे उसका हो जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा d बाय डी एस ऑफ, यहाँ से देखें तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, यहाँ से अगर देखें सो माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। ये हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को यहाँ पे शिफ्ट किया, उसके साथ भी शिफ्ट किया, तो हमारे पास ये है। चलिए अब इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन देते, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ये रख दीजिए और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। हम क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सो माइनस माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर आएगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 का ये आएगा। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस एस स्क्वायर प्लस 16 को अगर ऐसे ही रखें स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका क्या होगा 4s माइनस यहाँ पे जो है 2s स्क्वायर, वो ऐसे का ऐसा है, इसका डेरिवेटिव होगा इंटू 2 एस स्क्वायर प्लस, सॉरी हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं नीचे, चलिए जीरो टर्म्स है वो थोड़ा सा छोटा लिखते हैं भाई, माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा आपके पास एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इंटू 4s माइनस हमारे पास आएगा 2s स्क्वायर इंटू, या फिर यहाँ पे 2s ऑफ स्क्वायर इंटू 2 एस स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 पावर 4, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो हम उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2s अपॉन यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर प्लस 16 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4s है, तो 4s हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4s इंटू एस स्क्वायर प्लस 16 मैंने कॉमन लिया, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे 4s कॉमन है, तो ये 2 के साथ ये कॉमन चला गया, ये गया यहाँ पे, ये गया, चलिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2s स्क्वायर, सो दिस इज 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 पावर 4, सो ये क्या है माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए ये एक से गया गया, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 4s एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2s स्क्वायर यानी कि 16 माइनस एस स्क्वायर अपॉन आपके पास आएगा एस स्क्वायर प्लस 16 पावर 4, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आएगा, देख लीजिएगा एक बार सिंप्लीफिकेशन जो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 16 जो है उसको अगर यहाँ पे सॉरी 3 बचेगा, ये जो है यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, तो हमारे पास आएगा 4s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 क्यूब माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या ऑप्टेन किया भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस 40, ठीक है, ये ऑप्टेन किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए तो पुट करते हैं ये दोनों वैल्यू हमारे पास,
सो पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ वन एन डॉट टू इन इक्वेशन वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टू टी दैट इक्वल टू वन हाफ, ये क्या है आपके पास टू बाय एस क्यूब है, वो क्या है वहाँ से देखें तो प्लस फोर एस अपॉन प्लस फोर एस इंटू एस स्क्वायर माइनस सिक्सटीन अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन क्यूब माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन स्क्वायर, ठीक है, तो ये है आपके पास आंसर। अब देखिए यहाँ पे भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं, जैसे टू कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास आएगा वन अपॉन एस क्यूब प्लस टू एस इंटू एस स्क्वायर माइनस सिक्सटीन अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन क्यूब माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन स्क्वायर, तो ये जो है वो हमारे पास क्या है आंसर है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टू टी, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी स्टेप्स में, अच्छे से समझना है कि कौन से स्टेप कब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने डेरिवेटिव यहाँ पे टी स्क्वायर था तो उसका फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू कॉस 40 था तो कॉस 40 का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, टी स्क्वायर था तो ये फॉर्मूला, सिंप्लीफिकेशन दिया तो ये आया, इसके दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। चलिए एक और एग्जांपल देख, चलिए एग्जांपल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू साइन टी माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस टी, हमें क्या करना है ये जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी पढ़ा है, साथ साथ अभी जो पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो टी इंटू साइन टी माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस टी, अगर साइन टी होता तो भी हम फाइंड कर देते, ई पावर ए टी इंटू साइन टी होता तो भी फाइंड करते, हमारे पास टी इंटू साइन टी है, तो ये जो सिम्टम्स है आपको पहचानना होगा, यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर से किया है फंक्शंस को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। तो सिंपली चलिए पहले तो पता चल गया कि भाई कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू साइन टी माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस टी। अब चलिए हमारे पास जो है लाप्लास क्या है, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन टी माइनस लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस टी, चलिए ये भी हो गया टी इंटू साइन टी माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस टी। चलिए अब क्या है हमारे पास कि भाई लाप्लास इसका फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है, दोनों का हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हमने मान लिया इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, लाप्लास ऑफ टी साइन टी, चलिए फर्स्ट हम फाइंड करते हैं, सो लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन टी इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए टी की पावर कितनी है यहाँ पे वन है, वन है तो यहाँ पे माइनस वन की पावर कितनी आएगी वन, साइड में क्या आएगा डेरिवेटिव डी बाई डी एस ऑफ एफ टी, एफ टी क्या है साइन टी, सो यहाँ पे आएगा साइन टी। अब देखिए ये क्या है माइनस वन, हमारे पास क्या है डी बाई डी एस, अब हम लाप्लास ऑफ साइन टी का जो फॉर्मूला है वो जानते हैं, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे होता है साइन, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, ए क्या है वन है सो दिस इज एस स्क्वायर अपॉन प्लस वन, सो दिस इज माइनस वन अपॉन ये क्या होगा माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, सो दिस इज टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, सो लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन टी ये होगा टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस टी, तो चलिए फाइंड करते हैं, सो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस टी, टी स्क्वायर है यानी कि एन क्या है दो, सो दिस इज माइनस वन स्क्वायर डी टू बाय डी एस स्क्वायर ऑफ लाप्लास ऑफ कॉस टी, चलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं माइनस वन स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, सो डी टू बाय डी एस स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस टी क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे वन है सो वन स्क्वायर इज वन, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, ये जो है उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। चलिए पहले हमारे पास तो डी बाय डी एस अंदर क्या भाई एस स्क्वायर प्लस वन इंटू वन माइनस हमारे पास आएगा एस इंटू टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन
स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव अगर ये जो है दोनों में चला जाए, न्यूमिनेटर जो है दोनों में, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे बचेगा टू एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे जो होगा एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू टू एस स्क्वायर, वो क्या होगा फोर एस माइनस, अब हम क्या करेंगे टू एस स्क्वायर ऐसे रखेंगे, इसका क्या होगा टू इंटू एस स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एस, ठीक है, अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन पावर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि फोर। तो ये जो है वो हमने रूल यूज़ किया है यहाँ पे जो डेरिवेटिव का होता है, सो दिस इज माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा फोर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस वन पावर फोर है तो एस स्क्वायर प्लस वन की स्क्वायर पावर बचेगा, सो अब यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ टू एस स्क्वायर, टू टू फोर, फोर इंटू टू क्या हो जाएगा, या फिर हम यहाँ से सिंपली अगर चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, चलिए कॉमन लेते हैं एस स्क्वायर प्लस वन इंटू फोर एस को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा एस स्क्वायर प्लस वन, फोर एस को कॉमन लिया तो यहाँ पे फोर एस एस स्क्वायर प्लस वन कॉमन है सो ये बचेगा चला जाएगा, चलो फोर एस गया ये गया एस स्क्वायर प्लस वन बचा, माइनस टू एस स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा एस स्क्वायर प्लस वन पावर फोर, सो हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस, यहाँ से ये गया तो हमारे पास थ्री पावर बचेगा तो फोर एस इंटू वन माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन पावर थ्री, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास बची, हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेके प्लस माइनस कर सकते हैं, चलिए वो बड़ी बात नहीं। तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस टू टी क्या होता है वो भी हमने फाइंड कर दिया, सो दिस इज द लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस टी स्क्वायर इंटू कॉस टी, ठीक है, उसकी वैल्यू ये होती है। चलिए अब इसकी दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन वी हैव, क्या आएगा हमें डायरेक्टली यहाँ से ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लिखना है कि भाई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन वी हैव लाप्लास ऑफ टी साइन टी माइनस टी स्क्वायर कॉस टी दैट इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी साइन टी इज विच इज टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ दिस वैल्यू, यहाँ पे क्या है माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो वो हो जाएगा प्लस प्लस फोर एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन क्यूब, ठीक है। माइनस अगर यहाँ से अंदर जाएगा टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस प्लस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस फोर एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन पावर थ्री, ठीक है। तो ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन टी माइनस टी स्क्वायर कॉस टी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास आंसर है। तो ये जो एग्जांपल है वो आपको थोड़ी सी धीरज के साथ करना है, थोड़ा सा पैशन के साथ, कोई भी गलती नहीं करनी है डेरिवेटिव फाइंड करने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल इसी मेथड से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर फोर टी इंटू टी कॉस टी, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या दिया, ई पावर फोर टी इंटू टी इंटू कॉस टू टी ये दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम जो है, अगर e पावर 4t इंटू कॉस 2t होता तो भी सॉल्व कर सकते, t इंटू कॉस 2t होता तो भी सॉल्व करते थे यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर e पावर 4t इंटू कॉस 2t होता तो भी यूज करते थे यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फिर s थ्योरम। यहाँ पे जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास t इंटू कॉस 2t, इस पर हम अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस पर हम अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और ई पावर 40 है, तो इसका जो आंसर आएगा उसके साथ हम ई पावर 40 का यूज़ करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्या करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल भी है, तो कैसे अप्लाई करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे फाइंड। सो हमारे पास है ई पावर 40 इंटू टी कॉस 2 टी, सो सॉल्यूशन
सो लाप्लास ऑफ ई पावर 4t इंटू टी इंटू कॉस 2t, ये हमें फाइंड करना है। अगर मैं हम इसका जो एफ टी मान लूँ तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एस माइनस 4 करेंगे, पर इसका अगर एफ टी है तो इसका तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमारे हमें कौन सा स्टेप फाइंड करना पड़ेगा, लाप्लास ऑफ टी इंटू कॉस 2t। तो हम ये नहीं फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे भाई लाप्लास ऑफ टी इंटू कॉस 2t क्या होता है, और फिर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये फाइंड ना करते हुए हम फाइंड करेंगे लाप्लास ऑफ टी कॉस 2t, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू फाइंड लाप्लास ऑफ ई पावर 4t इंटू कॉस 2t, फर्स्ट वी फाइंड लाप्लास ऑफ टी इंटू कॉस 2t, ठीक है। सो लाप्लास ऑफ टी इंटू कॉस 2t क्या होता है वो समझिए। सो यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू एफ टी वाला फॉर्मूला जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, टी स्क्वायर या फिर टी पावर एन, एन क्या है यहाँ पे 1 है, तो टी इंटू कॉस 2t, सो माइनस 1 टू द पावर 1 डी बाय डी एस ऑफ लाप्लास ऑफ कॉस 2t। नाउ दिस इज माइनस 1 डी बाय डी एस। नाउ लाप्लास ऑफ कॉस 2t क्या होता है आपके पास पता है भाई, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4, सो दिस इज माइनस 1। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो इसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 4, एस का डेरिवेटिव 1 माइनस एस इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 का 2s होता है, सो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये देखिए माइनस 1 ऐसा, इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या होगा 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये जो है हम अगर सिंप्लीफाई करें ऊपर से जो माइनस कॉमन करें तो ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू कॉस 2t। तो ये था हमारा पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करने के लिए हमने ये फाइंड करना था तो चलिए कर दिया। अब हम इसकी वैल्यू को ये जो है इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। नाउ दिस इज आवर fs, ये क्या हो जाएगा आपका fs, क्यों, क्योंकि अगर हम e पावर 80 इंटू ft करते तो हमारे पास वहां पे fs होना चाहिए, तो हमने इसको क्या कह दिया fs कह दिया। तो नाउ लाप्लास ऑफ e पावर 4t इंटू टी इंटू कॉस 2t दैट इज इक्वल टू वो होता है क्या एफ ऑफ एस माइनस 4, ये होगा एफ एस क्या है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। e पावर 40 है तो हम क्या करते थे, e पावर 80 होता है तो एफ ऑफ एस माइनस है, तो यहाँ पे 4 है तो एफ ऑफ एस माइनस 4, सो यहाँ पे इसके इक्वल में आएगा। इसमें हम क्या करेंगे एस की जगह पे एस माइनस 4 पुट करेंगे, सो दिस इज एस माइनस एस स्क्वायर है तो एस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन यहाँ पे भी क्या आएगा एस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4 है सॉरी, सो एस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 16 माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 8s सॉरी यहाँ पे भी 8s हो गया एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 16 प्लस 4, सो दिस इज एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 12 एंड एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 20, ठीक है। तो ये भी क्या है आंसर है और ये भी क्या है आपके पास फाइनल आंसर। तो इस तरह से यूज करते हैं जब आपके पास क्या हो तीन फंक्शन हो, वो भी क्या है यहाँ पे t है यहाँ पे e पावर 80 और आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसमें दोनों यूज़ किया है कौन सा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी किया और डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो भी किया है। चलिए एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये वाले जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है ई पावर माइनस टी इंटू टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी, ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ ये होता टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी तो भी मैं फाइंड करता, अगर ये होता
ई पावर माइनस टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी तो भी मैं फाइंड कर सकता, अगर ये होता तो भी फाइंड करता, पर हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने अब तक दो चीज़ें पढ़ी है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या है, पहले क्या करेंगे, ये जो फंक्शंस है हमारा टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक, इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई करेंगे ये वाले फंक्शंस पे। फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एफ एस कहेंगे। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, एफ एस को किससे रिप्ले करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एस माइनस से। तो हमारे पास ये जो पूरा है उसका क्या आ जाएगा, आंसर या फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हम यूज़ करेंगे हमारे पूरे एग्जाम्पल में, आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जो कि दोनों हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है, आप वो प्लेलिस्ट जाके दे सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है अब तक वो लेक्चर। तो सो सॉल्यूशन हमारे पास है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। सो टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी, फर्स्ट वी फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी, ठीक है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी। सो दिस इज, यहाँ पे टी की पावर कितनी है, वन है, तो माइनस वन स्क्वायर डी बाय डी एस ऑफ लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी। सो कॉस हाइपरबोलिक टी जो है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डी बाय डी एस, उसका होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ पे ये क्या है, वन है, तो एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर विच इज एस स्क्वायर माइनस वन। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। सो माइनस वन हमारे पास यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर माइनस वन इंटू वन माइनस एस इंटू टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। सो दिस इज माइनस वन, ये क्या होगा हमारे पास, देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देगा, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन, इसको माइनस टू एस स्क्वायर को इसके अगर डिवाइड करें, या फिर चलिए डिवाइड ना करते हुए हम सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं, एस स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ टू एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस वन माइनस एस स्क्वायर और नीचे है एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिंपली एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी। अब हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस टी, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे ये जो है हमारे पास, वो हो गया हमारे पास अब एफ ऑफ एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ऑफ माइनस ए, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस वन, सो दिस इज एफ ऑफ एस प्लस वन। नाउ एस की जगह पे अब हम क्या करेंगे, एस प्लस वन पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे एस प्लस वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन यहाँ पे आएगा एस प्लस वन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमारे पास आएगी, अगर चाहे तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो भी हम ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, विच इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक टी, ठीक है। तो आइए अब इसमें हमने क्या किया है, दो यूज किए हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही कुछ एग्जांपल आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ये सब पेपर्स में जो पूछे जाते हैं वहाँ से ट्राई कीजिए, ठीक है। हमारी जो पीडीएफ है वहाँ से भी आपको एक दो एग्जांपल मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी ट्राई कीजिए। इसके पीडीएफ के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जल्दी से, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से मिल जाए।